ओवरलोड ट्रक मस्त नौबतपुर का पुल त्रस्त। रिपोर्टिंग सुजीत कुमार चंदोली। जहां एक तरफ सरकार रोड हाईवे पुल आदि सुदृढ़ करने में लगी हुई है जिससे लोगों व वाहनों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जिले के जिम्मेदार लोगों के उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश व बिहार को जोड़ने वाली कर्णनाशा पुल की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। ओवरलोड ट्रकों के संचालन के कारण पुल ध्वस्त होता जा रहा है। कुछ माह पूर्व अंग्रेजों के जमाने में बने पुल ध्वस्त हो जाने के बाद वैकल्पिक तौर पर NHAI द्वारा नया पुल तैयार किया गया था, लेकिन अब यह पुल भी ओवरलोड ट्रकों के संचालन के कारण क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। बीती रात बिहार से आ रही ओवरलोड ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरने से बच गई, जहां पर ड्राइवर की तो जान बच गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ओवरलोड ट्रकों का संचालन चलेगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। बाय ब्रिजेश चौबे, मैनेजर सोमा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। नाम और पर्चे ब्रिजेश चौबे, मैं मैनेजर हूँ सोमा इंडस्ट्री। आज आपके जो आप बनाए हैं ब्रिज है, इस पर आज एक तक जो पढ़ने की दशा में क्या है? ये करीब सुबह सुबह का वाक्य है जिसमें ये लगभग नींद में चलता हुआ केस लग रहा है कि नींद में चलते चलते इसको अंदाजा नहीं लगा और ये रेलिंग की तरफ अचानक से दबका गया और रेलिंग को तोड़ता हुआ इसके दो पहिए साइड वाले इसको पुल से अलग हो गए। आपके स्टील ब्रिज भी धीरे धीरे टाइम में हो रहा है, ओवरलोड गाड़ी आ रही है, इसे किस तरह रोकेंगे आप? ओवरलोड पे लगाम रखने के लिए तो हमने लगभग हमारे प्रोजेक्ट में जितने जिले हैं सब जिले के DM से हमने कांटेक्ट किया है और कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाया जा रहा है, बट किस तरह से अभी नहीं लग पाया है जिस तरह से लगाम लगना चाहिए। और जैसे ही ओवरलोड का सीन ज़्यादा बढ़ा है उसी टाइम से ये डैमेज के केसेस भी बढ़ते गए हैं। बार बार अगर ओवरलोड गाड़ी अगर नहीं रुकेगी तो कभी बड़े घटना की दावत दे रहा है आपके जो सिरबिलपुर। बड़ी घटना को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरलोड का रुकना बहुत जरूरी है।